एवरीवन, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। हम लोग हैं मिष्टी के नानी घर में, यानी मेरे मम्मी के घर पे, और मेरी मम्मी बना रही है फिश करी। तो आइए दिखाती हूँ कैसे बना रही है मेरी मम्मी फिश करी। तो ये फिश मम्मी पहले से धो चुकी है, और यहाँ पे मम्मी डाल रही है नमक, फिर थोड़ा सा हल्दी, और फिर थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर मम्मी दे रही है, और अब मम्मी दे रही है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और इसको मम्मी अच्छी तरीके से मिक्स करेगी फिश में, ताकि ये अच्छी तरीके से सभी जगह मिक्स हो जाए। और इसको ज़्यादा देर के लिए मम्मी मैरिनेशन में नहीं देगी, तुरंत ही इसको मम्मी तल देती है, क्योंकि मछलियों से पानी छोड़ने लगता है, तो मम्मी तुरंत ही तल देती है मछलियों को। और यहाँ पे मम्मी दे रही है सरसों तेल, क्योंकि सरसों तेल से फिश करी बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पे मम्मी एक एक करके सारी मछलियाँ दे रही है। और मम्मी इसको बार बार पलट करके चेक कर रही है कि मछलियाँ तली कि नहीं तली। मम्मी फिर इसको दूसरी तरफ से भी पलट करके तल ले रही है। और फिर अभी ये सारी मछलियाँ तल चुकी है, तो मम्मी इसको एक प्लेट में निकाल रही है अलग से। इसी तरह करके मम्मी सारी मछलियाँ तल लेगी। जब सारी मछलियाँ तला गई, तो मम्मी यहाँ पे फिर से कढ़ाई में सरसों तेल दे रही है। फिर यहाँ पे मम्मी डाल रही है 5 फ़ोरन, और फिर इसके बाद थोड़ा सा मम्मी हींग देती है तेल में। हींग से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है मछलियों का। और यहाँ पे मम्मी दे रही है टमाटर और धनिया पत्ता कटा हुआ, क्योंकि पेस्ट का अलग टेस्ट होता है और कटा हुआ टमाटर और धनिया पत्ता का अलग टेस्ट होता है। और यहाँ पे फिर से मम्मी दे रही है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। एक बार मछलियों में दी थी, फिर इसको ग्रेवी में भी देती है, तो ग्रेवी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मम्मी दे रही है हल्दी, और मम्मी पहले से ही कुछ मसाले पीस के रखी है। इसमें है जीरा, गोल लाल मिर्च और सरसों। इसको मम्मी अच्छी तरीके से फ्राई करेगी, क्योंकि रोस्टेड मसालों को उतना फ्राई नहीं करना होता है जितना ये कच्चे मसाले फ्राई करना होता है जो डायरेक्ट पेस्ट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे निया हम लोगों के साथ खेल रही है छुप छुप करके, वो फ्रिज के पर्दे के पीछे छुप गई है। और यहाँ पे मम्मी अच्छी तरीके से इसको भी फ्राई कर दे रही है सारे मसालों को। ये तब तक मम्मी फ्राई करती है जब तक उससे तेल नहीं छूट जाए। और अभी मम्मी थोड़ा सा नमक दे रही है स्वाद के अनुसार। मम्मी लास्ट में नमक दे रही है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि पहले नमक दे देने से या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप लास्ट में नमक देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा कि कितना नमक देना है। और यहाँ पे मम्मी कैंट का पानी यूज़ कर रही है ग्रेवी बनाने के लिए। तो ग्रेवी लगभग तैयार हो चुका है। इसको मम्मी अच्छी तरीके से बॉईल करने के बाद इसमें सारी मछलियाँ डाल देती है, और इसको भी 5 मिनट ढक के मम्मी पका लेती है, ताकि मछलियों में ग्रेवी सारी चली जाए। और ये बड़ी वाली मछली है जो मैं बाद में लेके आई हूँ बाज़ार से, जब मम्मी मछलियाँ तल रही थी तभी मैं लेके आ गई थी बीच में बच्चों के लिए। और यहाँ पे है गरम मसाला का पाउडर, ये टेस्ट को ज़्यादा अच्छा कर देता है मछली में। और इसको एकदम लास्ट में मम्मी देती है, क्योंकि ये रोस्टेड गरम मसाला पाउडर है हमारे घर का, बिल्कुल जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उसी तरीके से मम्मी भी बनाती है। और मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा और पानी दे रही है, ताकि ग्रेवी और ज़्यादा हो जाए, सभी को बराबर हो सके। देखिए निया को, मिष्टी को, हमारे घर से कैसे बालकोनी पूरा दिखता है व्यू। यहाँ पे हम लोग बैठ जाते हैं और
सभी चीजें देखते रहते हैं। तो हम लोग कुछ दिन पहले ही मम्मी के घर पे आए थे, करीबन एक सप्ताह भी नहीं हुआ है अभी आए हुए। संडे को शायद या सैटरडे को आए थे यहाँ पे, और मेरी मम्मी के घर पे अभी काम चल रहा है ऊपर वाले फ्लोर पे, तो पूरा अभी घर गंदा हुआ पड़ा है एकदम। आप तो समझ सकते हैं जब काम चलता है तो कितना घर गंदा हो जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी पूरा घर अभी गंदा है और मेरी मम्मी के घर से दिखता है ऐसा भी। ये घर रोड के किनारे ही है तो यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा व्यू। ये देखिए, मतलब अगर हम यहाँ पे घंटों घंटा भी बैठ जाए तो कभी भी बोर फील नहीं होता है कि हाँ अकेले हैं आप। मतलब यहाँ से गाड़ी में आता जाता है, आप देखते रहिए आपका दिन कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। यहाँ पे एनी टाइम आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, अच्छा लगता है बैठ के यहाँ पे। यहाँ से कुछ दूरी पर ही मेरा ससुराल कहिए या खुद का घर कहिए वो भी है, और वहाँ पे भी रह के आए एक दो दिन। बगल वाले घर में शादी था कुछ दिनों पहले, तो अभी सारे गेस्ट जा रहे हैं। तो देखिए हमारे घर से कैसा दिखता है। ये मेरे घर से व्यू दिखता है कुछ ऐसा, बहुत हरियाली है इधर। वो मेरा स्कूटी, वो स्कूटी मेरा है। ये देखिए निया कैसे परेशान है मछली खाने के लिए, तभी इसके लिए लाना होगा बड़ा मछली। ये आपको एक चीज दिखाते हैं, घोड़ा। दो घोड़ा है, एक यहाँ पे। प्यारा लग रहा है, इसका बाल देखिए कितना स्टाइलिश से कटा हुआ है, एकदम एक जैसा। अभी फिर से जाके मछली लाना पड़ा इन लोगों के वजह से। मिष्टी ये नहीं खा पाएगी ना छोटा मछली, इसमें बहुत कांटा रहता है। तो बेटा 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 ओ बेटा ओ ओ बेटा बेटा, ये भी घोड़ा देख रही है। कितनी बदमाश है ये, यहाँ से ऐसे देखती है।
देखो इधर इधर देखो, आज मेरी बहन भी आने वाली है, आपको भी उनसे भी आपको मिलवाऊंगी और उसका बच्चा आएगा। ये है मेरी बहन और इसका एग्ज़ाम चल रहा है, इसीलिए ये आज घर पे नहीं आई, सिर्फ अपने बेटे को यहाँ पे रख के गई है। एग्ज़ाम के टाइम तक हम लोग बाबू को संभालेंगे, फिर जब उसका एग्ज़ाम हो जाएगा तो वो ले जाएगी। ये देखिए बहुत प्यारा है ये। और ये है हमारा लंच, फिश करी एंड राइस। और यहाँ पे देखिए बारिश हो रहा है हमारे देवघर शहर में। बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। कुछ दिनों पहले तक तो लग रहा था कि गर्मी का मौसम जल्द ही आ जाएगा, लेकिन ये बारिश से लग रहा है कि अब फिर से ठंडा लौट आएगा। यह है हमारा शाम का नाश्ता। ये है शाम का नाश्ता हम लोग का, और इसमें है चना, घुगनी, प्याज, मिर्ची, धनिया पत्ता और ये दालमोट। ये इधर का स्पेशल मिक्सचर है जो हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बाबू खा रही है सिर्फ मुढ़ी। गिर गया इसका मुढ़ी। क्या आओ, हाँ आओ, हा, आओ।